अच्छा गुल और आप देख रहे हैं मेरा आपका हम सबका फेवरेट प्रोग्राम शहरनामा। शहरनामा में आज सैर के लिए मैंने जिस शहर का इंतखाब किया है ये जनूबी पंजाब का वो शहर है जिसे खूबसूरती के पेशे नजर चंदे आफ्ताब भी कहा जाता है। इस शहर में चप्पे चप्पे पर आपको माजी की अजीम रियासत की यादगारें देखने को मिलेंगी जो इस बात का सबूत है कि इसका माजी कितना जाहो जलाल वाला था। कहते हैं ना कि जिंदा कौमें वो होती हैं जो अपने सकाफती विरसे को संभाल के रखती हैं। तो इस शहर के बासी भी आपको इस शहर की तारीख को संभालते हुए नजर आएंगे। तो आइए अपने दिन का आगाज करते हैं और सैर शुरू करते हैं मोहल्लात के शहर बहावलपुर की। बात करते हैं तारीख पर। जिला बहावलपुर का बतौर रियासत बाकायदा कयाम 1727 में हुआ था और इस इलाके के जो पहले हुक्मरान थे वो थे अमीर सादिक मोहम्मद खान अव्वल, जिनका ताल्लुक बगदाद के खुलफाए अब्बासिया से था। फिर आपके बाद इस खित्ते के हुक्मरान बने आपके साहबजादे अमीर बहावल खान और फिर अमीर बहावल खान ने 1748 में दरिया सतलुज से तकरीबन 2 मील के फासले पर जनूब की तरफ एक बस्ती हुआ करती थी जिसको कहा जाता था रांझे खान और एक और भी नाम था इस बस्ती का सोढ़ा की झोक। तो इस बस्ती को अपने नाम की मुनासबत से बहावलपुर कर दिया और फिर बहावलपुर के नाम से ही आबाद किया। 1727 से लेकर 1955 तक तकरीबन 228 बरस तक ये बहावलपुर रियासत के तौर पर कायम रही और ये बर्रे सगीर की दूसरी बड़ी रियासत थी हैदराबाद के बाद जो आज़ाद थी। फिर क्याम पाकिस्तान के वक्त 1947 में जो नवाब सर सादिक थे उन्होंने इस रियासत को बाकायदा पाकिस्तान के साथ इलहाक करने का ऐलान किया और अपनी जो आर्मी थी उसको भी पाकिस्तान आर्मी में जम करने का इरादा किया और फिर यूं इस खित्ते का जो इलहाक हुआ पाकिस्तान के साथ वो हुआ तो सूबाई हैसियत के तौर पर था लेकिन चूँकि वन यूनिट का इख्तिताम हो चुका था तो इसको फिर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में ही जम कर दिया गया। दरियाए सतलुज के किनारे बहता ये शहर बहावलपुर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। बहावलपुर को डिविजनल हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल है जिसमें जिला बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान समेत कुल 3 अजला शामिल हैं। इंतजामी तौर पर जिला बहावलपुर को 5 तहसीलों में तकसीम किया गया। इन तहसीलों में अहमदपुर शरकिया, बहावलपुर, खैरपुर टामेवाली, हासिलपुर और यजमान मंडी शामिल है। बहावलपुर का कुल रकबा 24,830 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जमीनी रकबे के लिहाज से एक बड़ा शहर है जो पंजाब के सबसे बड़े सहरा चोलिस्तान पर मुश्तमिल है। जिला बहावलपुर तपते रेगिस्तानों के साथ साथ सरसब्ज नखलिस्तानों की भी सरजमीन है। जिला बहावलपुर में 992,368 एकड़ अराजी काबिले काश्त है जबकि 1,78,045 एकड़ रकबे पर काश्त नहीं की जाती। यहाँ पर उगाई जाने वाली अहम फसलों में गंदम, गन्ना, कपास, चावल और सूरजमुखी शामिल हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक जिला बहावलपुर की कुल आबादी 36,69,176 है जिसमें मर्दों की कुल तादाद 18,79,702, खवातीन की कुल तादाद 17,99,148 जबकि 326 ख्वाजा सरा शामिल हैं। बहावलपुर में जट, बलोच, चाचड़, लाड़, चन्नड़, मेहर, अब्बासी, गैलानी, मलिक, राजपूत, शेख, माड़वारी और बहुड़ कबायल आबाद हैं। बहावलपुर में 92% लोग पंजाबी जुबान वाले हैं जो इलाकों के हिसाब से पंजाबी के मुख्तलिफ लहजे बोलते हैं जिनमें रियासती, माझी, बागड़ी, हरियाणवी और सरायकी शामिल हैं और कुछ लोग बराहवी, मारवाड़ी, बलोची और सिंधी वगैरह बोलते भी नजर आते हैं। जिला बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले मशाहिर में बहुत सी सियासी, समाजी, सकाफती और जर्री शख्सियात का नाम सामने आता है जिनमें सरे फहरिस्त नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, पाकिस्तान के रुकने पार्लियामेंट और सादिक मोहम्मद खान पंजम के पोते नवाब सलाहुद्दीन अहमद अब्बासी, रुकन सूबाई असम्बली खालिद महमूद जज्जा,
सियासी रहनुमा तारिक बशीर चीमा, क्रिकेटर मुर्तजा हुसैन, फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद आदिल, फील्ड हॉकी खिलाड़ी मतीउल्ला, समीउल्ला खान, टीवी और फिल्म अदाकार अतरुल हक मलिक, पाकिस्तानी गजल गुलुकारा गुलबहार बानो, अदीब नोशी गैलानी, इस्लामी स्कॉलर अल्ला वसाया, मारूफ शायर, सहाफी और रुकन पार्लियामेंट सैयद ताबिश अलवारी और पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक का ताल्लुक भी बहावलपुर से ही है। नाज़रीन, मुतहिद्दा हिंदुस्तान में तकरीबन 562 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद को मकदम जाना और इन तमाम रियासतों में रियासत बहावलपुर का शुमार सफ़े अव्वल में किया जाता था। आज मैं बहावलपुर के एक ऐसे ही मकाम पर मौजूद हूँ जो तकरीबन पिछले 99 सालों से अवाम की रूहों में मौजूद इल्म की प्यास को बुझा रहा है। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ सादिक रीडिंग सेंट्रल लाइब्रेरी में, जो एक मुमताज़ हैसियत रखती है। इस लाइब्रेरी की बुनियाद 1924 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम की जो रस्म ताज पोशी थी उसकी खुशी में रखी गई थी। और मज़े की बात यह है कि इस इमारत की जो तामीर है वो इस अंदाज में की गई कि गर्मियों में जो रेगिस्तान की गर्म हवाएं हैं वो भी इसके कमरों की ठंडक को मुतासर नहीं कर पाती। और आज भी यहाँ पर कदीम मखतूते और नकाशी के नमूने, नक्शे, अखबारात और कुतुब को इस अंदाज से महफूज किया गया है कि आपको ये सब कुछ किसी और लाइब्रेरी में देखने को नहीं मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस लाइब्रेरी का, वो ये कि यहाँ पर हिरन की खाल पर कुरान पाक की आयात को बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही आसन अंदाज से महफूज किया गया है। आइए आपको लाइब्रेरी के अंदर का विजिट भी करवाती हूँ। तो नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त तकरीबन 100 साल, क्योंकि इस लाइब्रेरी को 100 साल की होने में एक साल बाकी है, एक तारीखी सेंट्रल लाइब्रेरी में। और वो कहते हैं ना कि जब आप इल्म की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको एक सुकून महसूस होने लगता है, वो सुकून यहाँ पर है और वो ठंडक भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ऐसे गुमा होता है कि यहाँ पर कोई शायद चिलर लगा है या एसी लगा है, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। इस बिल्डिंग को इस अंदाज़ में बनाया गया और मैं ये देख के हैरान हो गई हूँ कि कैसे जो नवाब थे बहावलपुर के, उन्होंने कैसे तालीम को फ़रोग देने की कोशिश की और जो बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी इंसान के, जैसे वो तालीम है, जैसे वो सेहत है, उसके लिए नवाबों ने काम किया है। और इस तारीखी इमारत को देख के वाकई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी नवाब का ही काम हो सकता है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप बहावलपुर की सैर करने आएँ तो इस तारीखी लाइब्रेरी में ज़रूर आएँ। यहाँ पर जो सुकून मैं महसूस कर रही हूँ वो आप भी महसूस करें। और यहाँ पर जो इतनी ढेर सारी कलेक्शन है और कदीम कलेक्शन है ख़ास तौर पर, वो ज़रूर देखें और यकीनन आपको वो तमाम किताबें, वो तमाम चीज़ें जो आज तक शायद किसी लाइब्रेरी ने मिस कर दी होंगी, वो यहाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। नाज़रीन, म्यूज़ियम या अजायब घर किसी भी कौम या खित्ते की तारीख, उसके सकाफती विरसे की हिफाजत और तहजीब व तमद्दुन का आयनादार हुआ करते हैं, जो बाद में आने वाली नस्लों को उस दौर की तारीखी, वहाँ की सकाफती, साइंसी और समाजी इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। और बहावलपुर को भी इस लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि बहावलपुर के इस खित्ते से कई तहजीबें यहाँ से उन्होंने जन्म लिया, यहाँ पर फली फूली और फिर उफ्ताद ज़माना के नज़र हो गई।
यहाँ पर ये जो खित्ता है बहावलपुर का, ये सुपुत सिंधु की तहजीब से पहले एक जो तहजीब गुजरी है, तहजीब हाकड़ा, उसके नाम से जाना जाता है। और ये जो इस टाइम म्यूज़ियम है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर नवाबों की तारीख और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो उनकी सकाफ़त को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से चीज़ों को महफूज किया हुआ है। ये जो म्यूज़ियम है, वैसे तो इसको 1976 में कायम किया गया था, और यहाँ पर तकरीबन 10 गैलरीज हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, यानी उसमें आपकी सजावट के हिसाब से, ख़वातीन के हिसाब से, फिर आपके आर्ट एंड क्राफ्ट के हिसाब से, फिर आपकी जो जंगों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपके आले हो गए, आपके आलात हो गए, उनके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को सजाया गया है। तो उन तमाम चीज़ों को मिला के तकरीबन 5,000 के करीब नवादरात हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे, इस बहावलपुर म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने दोबारा से जो रेनोवेट किया है, वो है यहाँ का इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, जो चंद ही महीनों से यहाँ पर काम कर रहा है, और वाकई पता चल रहा है कि किसी चीज़ को कितनी खूबसूरती से इन्होंने महफूज कर रखा है। आइए आपको म्यूज़ियम का मज़ीद विज़िट करवाती हूँ। व्यूअर्स, म्यूज़ियम का विज़िट करते हुए मुझे इतना खूबसूरत महसूस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और अगर ये देखें आप, बग्घी जो है कितनी खूबसूरत है, और ये रॉयल बग्घी यानी नवाबों की बग्घी थी, और ये जो बग्घी थी ये मलका विक्टोरिया ने दी थी जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे उनको, और ये उनकी ख़वातीन के लिए मुख्तस थी। और इस पर अगर हम गौर से देखें तो वो स्टैम्प भी जो बहावलपुर की है वो भी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि 1950 के बाद से लेके अब तक इस बग्घी को इस्तेमाल नहीं किया गया, और फिर म्यूज़ियम में इसको महफूज कर दिया गया था। इस गैलरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हमारा जो साउथ पंजाब का इलाका है, खत्ता है, उसका कल्चर है, और चोलिस्तान जैसे डेजर्ट है उसका सारा कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या पहनते हैं। और ख़ासकर मैं इस सेक्शन को देख के बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली अगर आपने देखा हो तो मेरी यही ज्वेलरी होती है, और मैं इतनी फैसिनेट होती थी इस ज्वेलरी को देख के, पहन के। तो मुझे आज पता चला कि ये ज्वेलरी की जो तारीख है वो यहाँ से शुरू होती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल की ज्वेलरी है। अब अगर हम इस गैलरी की तरफ आएँ तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर आपको जो हाथ से काम है, मतलब क्या दौर हुआ करता था, मतलब मशीन्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसा ऐसा आर्ट जो हाथ से लोग करते थे, ख़ासकर उनकी ख़वातीन किया करती थी। ये यहाँ पर आपको उनकी शॉल्स जो हैं खुद से हाथ के बने हुए, फिर जो लहंगे, ब्राइडल ड्रेसेस, फिर ये उनकी कोई ख़ास इन चादरों को कहा जाता है जो अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो खित्ता पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता रहा है जहाँ से बहुत सारे बैरूनी हमला आवरों का गुजर रहा, और यहाँ पर जंगों का समा बनता रहा। और अगर देखा जाए तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिस सेक्शन में, ये सारा वो जंगी सामान है जो यहाँ से अफवाज गुजरें, जिनमें अगर लोगों की बात करें तो सिकंदर यूनानी यहाँ से गुजरा, फिर अशोक गुजरा, फिर कुशान, पहलवी, और फिर इस्लामी अफवाज, वो तमाम गुजरे। और ये वो चीज़ें हैं जो जंग में इस्तेमाल की जाती थी। तो ये है बहावलपुर का म्यूज़ियम, और मैं आपसे कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में सैर सपाटे के लिए निकल जाएं। हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है और तारीख से भरा पड़ा है। तो इस जब बहावलपुर में आप आएंगे तो इस म्यूज़ियम को भी आपने ज़रूर विज़िट करना है, और आपको तारीख के बारे में बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा।
नाज़रीन, मेरे अकब में आप इस वक्त बहावलपुर की तारीखी जामिया मस्जिद अस-सादिक देख रहे हैं, जो अपनी खूबसूरती और फन्ने तामीर के हवाले से एक मुमताज मकाम रखती है। ये मस्जिद तकरीबन 150 साल पहले बनाई गई थी और इसकी बुनियाद 1860 में एक सूफी बुजुर्ग नूर मोहम्मद महरवी ने अपने हाथों से रखी थी। बाद अजां 1935 में बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम ने हुक्म दिया कि हिंदुस्तान के एक इलाके जोधपुर से सफ़ेद पत्थर यानी संगे मरमर मंगवाया जाए और इसकी तज़ीन और आराइश का काम किया जाए। उस वक्त के महान और महारत रखने वाले कारीगरों ने इस पत्थर पर खताती, कंदाकारी और गुलकारी के जौहर दिखाए। ये मस्जिद तकरीबन 24 कनाल रकबे पर वाक़े है और यहाँ पर एक वक्त में 15,000 के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और इस मस्जिद की जो एक शान है और 150 साल के बाद भी ये जिस आबोताब के साथ खड़ी है, तो साफ लगता है कि उस वक्त इसकी बुनियाद रखने वाले और इसको संभाला देने वाले जो लोग थे, उनका दिल यकीनन मोहब्बत और इश्क के पैमाने से लबरेज होगा। जहाँ एक तरफ जदीद दौर हमें बहुत सारी आसाइशें फराहम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हमसे हमारी सकाफत, हमारे रहन सहन के अंदाज और हमारी तारीख को भी हमसे दूर करता जा रहा है। अब अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो एक दौर हुआ करता था जब पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन मसरूफ हुआ करते थे। आपको रेल की सिटी की आवाज़ आया करती थी, आपको रेल की छुक छुक की आवाज़ आया करती थी, लाल झंडी हुआ करती थी और इंजन से निकलता हुआ धुआं नजर आता था। और ख़ास तौर पर जो प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की बाग दौड़ हुआ करती थी, वो बड़ी खूबसूरत लगती थी। लेकिन अब ये चीज़ें नायाब होती जा रही हैं। इस वक्त आप मेरे अकब में जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये बहावलपुर का एक तारीखी रेलवे स्टेशन है। इसकी जो बैरूनी इमारत है उसे तो हालिया तामीर किया गया है, लेकिन इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें 1901 में नवाब ऑफ बहावलपुर के दौर में ही तामीर किया गया था। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये भी फंक्शनल है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेन्स आती हैं और यहाँ पर कराची से पिशावर जाने वाली जो रेलवे लाइन है ये उस पर वाक़े है। तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया, रावलपिंडी का जो रेलवे स्टेशन था वो भी फंक्शनल था और वो भी बहुत खूबसूरत था। तो मुझे बहावलपुर में आके एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि कैसे इन्होंने अपनी सकाफत को, अपनी तारीख को महफूज कर रखा है। ये तमाम बिल्डिंग्स, और ये भी एक तारीखी बिल्डिंग है, इसको भी बड़े खूबसूरत अंदाज से महफूज किया गया है। तो इसी वजह से इसका जो शुमार है पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत रेलवे स्टेशन में किया जाता है। व्यूअर्स, जिला बहावलपुर के तालीमी मयार को देखें तो एक दौर वो हुआ करता था कि इस रियासत में तालीम के लिए बहुत ही आला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरीज बनाई गई और यहाँ पर तालीमी मयार को बहुत बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज वो यूनिवर्सिटीज़, वो तालीमी इदारे और लाइब्रेरीज तो मौजूद हैं, लेकिन तालीमी मयार काफ़ी गिर चुका है। यहाँ पर शरा खानदगी सिर्फ 49.2% है। अगर स्कूल्स की तादाद की बात करें तो यहाँ पर सरकारी स्कूल्स 1663 जबकि निजी स्कूल्स 1423 हैं। कॉलेजेस की बात करें तो 24 सरकारी कॉलेजेस हैं जबकि 86 निजी कॉलेजेस हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आला तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, इसके अलावा वेटरनरी यूनिवर्सिटी और एक वुमेन यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर निजी लेवल पर देखा जाए तो स्कूल्स में जो हालात और जो मसाइल बच्चे देखते हैं, रोज़ाना फेस करते हैं, उनमें यहाँ पर जो बहुत सारी इमारत हैं स्कूल्स की, वो खस्ताहाली का शिकार हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए पीने का जो पानी है उसका प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, वो ठंडा नहीं है, वो साफ़ नहीं है। यहाँ पर क्लासरूम्स की कमी है, टॉयलेट बॉक्स की कमी है, अमले की यानी टीचर्स की कमी है, उसके अलावा प्लेग्राउंड्स की कमी है।
और तो और एक और हैरत अंगेज बात के बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनका इंदराज कागजात की हद तक तो है, लेकिन अगर आप मौका पर जाते हैं तो वहां पर आपको कोई ऐसी इमारत या ऐसी एक्टिविटी होती नहीं नजर आती, जिससे साफ नजर आता है कि ये महकमे या ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ये फंड्स लेकर सिर्फ खा रहे हैं। तो महकमा तालीम को हुकूमत की फौरी तवज्जो चाहिए ताकि इस खूबसूरत चीज को, इस जेवर को बच्चों तक अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके। नाज़रीन, जैसे मर्द और औरत एक सोसाइटी का अहम हिस्सा होते हैं, ऐसे ही हमारे ख्वाजा सरा भी इस सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। अगर इनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए तो ये किसी से भी कम नहीं है। आप हमारे आयशा जो मुग़ल हैं पाकिस्तान की, उन्हीं की मिसाल ले लीजिए कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में हमारे पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट किया और उन्हें पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेक्चरर का टाइटल भी दिया गया। और आज मैं आपको हमारे शो शहरनामा में एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो ये कि कैसे बहावलपुर में एक इनिशिएटिव लिया गया जो यहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम थे पिछले साल तक और आज मौजूदा वो कमिश्नर हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ट्रांसजेंडर्स को तालीम दी जाए। और ये जो स्कूल की आप इमारत देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम में तो बच्चियों की पढ़ाई के लिए मुख्तस है, लेकिन पार्ट टाइम में यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। उनकी बेसिक्स जो नीड हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उनको बेसिक तालीम दी जाती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर सकें। और ये इनिशिएटिव ना सिर्फ बहावलपुर में बल्कि अब मुल्तान में, डीजी खान में और तो और लाहौर में भी देखने को मिला है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जो एडमिटेड कोई ख्वाजा सरा हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त दीदार बलोच हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस इनिशिएटिव को लेके कितना खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़, मैं बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्लाह पाक का। माय नेम इज़ दीदार बलोच, आई रीड इन ट्रांसजेंडर एजुकेशन स्कूल, आई बिलोंग टू FA। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें इतना एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हमारी जो पढ़ाई छूटी हुई थी वो हम दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैं इस टाइम FA में पढ़ रही हूँ। और मैं शुक्र अदा करती हूँ गवर्नमेंट का कि जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया और हमें आगे आने का मौका भी दिया। मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर अच्छी तालीम दी जा रही है? जी, हमें बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है। जो हमारे टीचर हैं वो हमें ऐसे प्यार करते हैं जैसे हमारे माँ बाप करते थे, क्योंकि जो हम माँ बाप छोड़ के आए थे उनकी कमी हमारे टीचर पूरी करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी उस्ताद आपका बाप होता है। मुझे ये बताएं कि कभी कोई फील हुआ है कि आपके साथ कोई फर्क रखा जाता है कि आप उन बच्चों जैसे नहीं है जो नॉर्मली तालीम हासिल करते हैं? नहीं, पहले तो गवर्नमेंट भी इस बारे में नहीं सोचती थी। फ़र्क महसूस होता था जब बच्चों को देखते थे पढ़ रहे, या यूनिवर्सिटी के देखते थे या कॉलेज के स्टूडेंटों को देखते थे, हमें फील होता था कि नहीं, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। लेकिन जो इस गवर्नमेंट ने सोचा है, अब पता लगता है कि हमें कुछ फायदे भी हैं और नुकसान नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह के और भी ट्रांसजेंडर जो नहीं पढ़ने आते उनको भी पढ़ाई की तरफ ले आए, सपोर्ट। बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और हमारी स्कूल के साथ हैं और जिन्होंने ये कदम उठाया है उनके साथ भी हैं। और आपने भी अब हमारा और उनका और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ज़िला बहावलपुर में अगर सेहत की सहूलियात की फरहमी की बात करें तो यहाँ पर 2 TB हस्पताल, 4 तहसील हेडक्वार्टर, 12 देही सेहत के मराकज़, 75 बुनियादी सेहत के मराकज़, 57 देही डिस्पेंसरीज, 10 MCH सेंटर्स, 1 सरसादिक हॉस्पिटल बहावलपुर, 1 जुबली फीमेल हॉस्पिटल समेत 1 बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है। और मैं इस वक्त बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के अहाते में हूँ। इसकी बुनियाद 1867 में लॉर्ड विस्काउंट वेवल ने सिटी हॉस्पिटल के नाम से रखी थी और उस वक्त यहाँ पर 36 बेड समेत आउटडोर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर और डिस्पेंसरी की सहूलत मौजूद थी। फिर 1906 में बहावल खान चहारम और विक्टोरिया की नस्बत से इस हॉस्पिटल का नाम बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल रख दिया गया और आज यहाँ पर तकरीबन 1588 के करीब
बेड्स हैं। और अगर पूरे ज़िला में बात करें तो यहाँ पर बेसिक स्केल फ्रॉम 1 to 17 से लेकर तकरीबन 3,336 के करीब आसामियाँ हैं, जिसमें से तकरीबन 2,092 के करीब जो सीट्स हैं वो वहाँ पर जो अमला है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, लेकिन तकरीबन 1,244 के सीट्स जो हैं करीब वो खाली हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो बेसिक इश्यूज़ देखने को नज़र आए हैं वो ये है कि यहाँ पर हिफ्जाने सेहत के असूलों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, और सरे फहरिस्त जो मसला है वो है यहाँ पर अद्वियात की किल्लत। फिर एक और चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर बेड्स की, स्पेशली बच्चों के वार्ड्स में बेड्स की बहुत कमी है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक बेड पर 2 से 3 बच्चे देखने को मिलेंगे। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है और मैं हमेशा से ये दरख्वास्त करती आ रही हूँ कि खुदारा ये जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक हुकूक हैं, उन पर तवज्जा दी जाए ताकि अवाम को खुशहाल मुस्तकबिल, खुशहाल हाल प्रोवाइड किया जा सके। नाज़रीन, ज़िला बहावलपुर में अगर क्राइम की सूरत हाल को देखें तो यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी, राजनी और डकैती समेत कई ऐसी वारदातें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देही इलाकों में अगर देखा जाए तो मवेशी चोरी और घरों में चोरी की वारदातें बड़ी आम हैं। यहाँ पर आवाम को अमनो अमान फराहम करने के लिए तकरीबन 24 के करीब थाने हैं, जबकि 12 पुलिस चौकियाँ हैं, और अहलकारों अफसरान समेत उसके अलावा डॉल्फिन फोर्स, फिर एलीट फोर्स और स्कॉट्स समेत यहाँ पर जो नफरी है वो तकरीबन 2800 के करीब है, जो आबादी के हिसाब से बहुत कम है। और अगर देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर 200 से ज़ायद सीट्स हैं जो अफसरान और कांस्टेबल समेत जो असामियाँ हैं वो अब तक खाली हैं। अगर क्राइम ग्राफ को देखें, कंपैरिजन करें 2022 में, तो तकरीबन 14,065 मुकदमा दर्ज तो हुए लेकिन उनमें से 920 मुकदमा झूठे थे, और सैकड़ों मुकदमा तो ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं किए जाते, यानी साइल आता है तो उसको कोई ना कोई बहाना लगाकर, टैग लगाकर उसे भेज दिया जाता है, फिर चंद दिन के बाद जब वो वापस आता है तो वो भी कोई एतराज़ लगाकर उसका टैग इंदराज से रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पर बेशतर थानों में सियासी असर व रसूख देखने को बहुत मिला है, जब अवाम आते हैं उनकी अच्छी तरह से सुनवाई नहीं होती, फिर उनके साथ बड़ा हद तक आमेज़ रवैया बरता जाता है। आपने देखा होगा कि मैं कहीं भी गई हूँ, किसी भी ज़िला में गई हूँ, तो पुलिस कल्चर जो है वो बेहतर होता हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर ज़िला बहावलपुर की बात करें, यहाँ पर हर थाने में कैमरा लगा हुआ है, यहाँ प्रॉपर जो CCTV फुटेज है वो आपको एनी टाइम अवेलेबल हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है कि जो पर्सन होता है उसको निजी सेल्स में ले जाकर तशद्दुद किया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है, ये रवैये बहुत गलत हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा पुलिस कल्चर मज़ीद बदनाम होगा और अवाम हमारे पुलिस के पास आने से, शिकायत लेके आने से डरते रहेंगे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस महकमे पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा सके ताकि पाकिस्तान में एक खूबसूरत माहौल क्रिएट किया जा सके। तारीखी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के बेशतर शहर जो हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक तो अंदरूनी हिस्सा और एक फसील के बाहर का हिस्सा, यानी हम कहा करते हैं कि अंदरून बाजार और बैरूनी बाजार। तो जो यहाँ के नवाब थे, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल, उनके बेटे बहावल खान अव्वल ने जब बहावलपुर की बुनियाद रखी तो इसके अतराफ में 7 दरवाजे कायम किए थे, और इन आलीशान दरवाजों का मकसद था कि दाखिली और खारजी रास्तों पर एक हिफाजती नज़र रखना। इन दरवाज़ों में शिकारपुरी गेट, फरीद गेट, अहमदपुरी गेट, मुल्तानी गेट, डेरावरी गेट, बहड़ गेट और मोरी गेट शामिल हैं। और इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं फरीद गेट, जो आज भी अपनी असल जगह पर बेहतर हालत में मौजूद है, लेकिन माजी में इस गेट को बीकानेरी दरवाज़ा कहा जाता था, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो समत है, वो बीकानेर रियासत की तरफ जाती है। और अगर आप कभी बहावलपुर आए तो रात का मंजर देखने वाला होगा, क्योंकि इस शहर, ये जो दरवाज़ा है, इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत फूड स्ट्रीट सजती है जहाँ पर आप मज़े मज़े के फूड ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊँगी और हम देखते हैं कि दिन का नज़ारा कैसा है।
व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के एक अंदरून बाजार में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फरीद गेट से मैं एंटर हुई और यहाँ पर शाम की रौनकें तो देखने ही वाली होती हैं, लेकिन इस वक्त बाजार में आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो एक पहले गहमा गहमी हुआ करती थी, एक शोर हुआ करता था ख़वातीन का, मर्दों का यहाँ से गुजरना, ख़रीदारी करना, उसमें बाकायदा कमी देखने को मिली। और उसकी रीज़न ये है, वो हम सबको पता है कि आए रोज़ जो आवाम पर महंगाई का पहाड़ टूटता है, तो जो दुकानदार हैं वो भी मुझे कुछ खास मुस्कुराते चेहरों वाले नहीं नज़र आ रहे, उदास हैं बेचारे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँ कि हम किसी भी तारीखी शहर में जब गए हैं, तो मैंने जब विज़िट किया, सैर की, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि अंदरून बाज़ार जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। तो मुझे ये अंदरून बाज़ार भी लाहौर के, फैसलाबाद के, शेखुपुरा के अंदरून बाज़ारों जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वही मसालों की खुशबू है, रंग बिरंगे कपड़े हैं और दुकानदार बाहर भी अपने ठेले लगा के बैठे हैं, दुकानें भी सजी हुई हैं। तो अब आइए और भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि बहावलपुर की दो बड़ी ख़ास चीज़ें मशहूर हैं। एक तो यहाँ पर चुनरी का काम और दूसरा कुंदन का काम, और ये दोनों काम ही ख़वातीन के लिए बहुत ख़ास हुआ करते हैं। और चूँकि मैं एक खातून हूँ, एक लड़की हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी जगह पर जाऊं और मुझे मेरी पसंद की, मेरे मतलब की चीज़ मिल रही और मैं ना खरीदूं? तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कुंदन का काम, चुनरी का काम कैसे किया जाता है। व्यूअर्स, मेरे शो शहरनामा में मैं आपको वो तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ जो आप अब ढूंढने जाते हैं बाज़ारों में पर आपको मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो बहुत नायाब तरीके से, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं उसको ख़रीदने के लिए। इस वक्त मैं बहावलपुर की एक मार्केट में मौजूद हूँ, और जिसे अंदरून बाज़ार कहा जाता है, और यहाँ पर मैं एक दुकानदार के पास हूँ जिनकी दुकान पूरे बाज़ार, क्या पूरे बहावलपुर में मशहूर है चुनरी के लिहाज से। मोहम्मद अनस साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, आप इतने उदास क्यों हैं? आप इतने नायाब माल लेके बैठे हैं अपनी दुकान में, फिर भी उदास हैं? उदास बैठे हैं? हाँ। अच्छा, थोड़ी सी जरा स्माइल हो जाए क्योंकि हमारा शो जो भी देखता है ना, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो जदीद दौर आ गया है, मशीनी कढ़ाइयाँ आ गई हैं, मशीनी सारा काम होता है, तो आज भी ये हाथ के काम को उतनी अहमियत दी जाती है? देखिए जी, हाथ के काम की, ये जो हाथ का हुनर होता है ना, ये आप कहीं पे भी किसी भी वक्त भी ना, ये कभी भी ना डिफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने सुना है कि हमारे पाकिस्तान में, मतलब बहावलपुर का जो अब्बास नगर इलाका है, हाँ, जिसका दूसरा नाम चुनरी हाउस भी लोग कहते हैं, चुनरी का घर, चुनरी गांव जिसे कहा जाता है, तो ये वहाँ से आता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो फिर बड़ी कारीगर खवातीन बैठी हैं। बिल्कुल। तो ये खवातीन ही करते हैं या मर्द हजरात भी करते हैं? मर्द हजरात सिर्फ डाई करते हैं। अच्छा, वो भी कोई करे तो, वरना औरतें ही बांधती हैं, औरतें ही इसको डाई करती हैं, और औरतों ने ही इसको सारा कुछ करना होता। अच्छा, है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये, अब देखिए ना, ये व्यूअर्स, ये अगर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, देखने में ऐसे लगता है किसी मशीन ने ये दाग लगाए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे धागे बांधे जाते हैं, हाथ से धागे बांधे जाते हैं, फिर उसको खोला जाता है, खोला भी जाता है, फिर उसकी जो नीचे है वो पैटर्न निकल आता है। हाँ, तो आपके ख्याल में हिसाब से दिखाता हूँ। हाँ, तो आपके ख्याल में ये एक दुपट्टे पे जब किसी खातून ने धागा बांधा होगा, इस पे अगर हम इसकी मिसाल लेते हैं, ये, तो उस बेचारी को कितना टाइम लगा होगा? ये देखें जी, ये बंधा हुआ है धागा इस वक्त, तो ये कितना टाइम लगा होगा इस चीज़ पर? आप इस को देख लें कि इसमें शर्ट और दुपट्टे को मिनिमम 5 डेज से 7 डेज। ये देखें कितनी खूबसूरत शॉल है, पहले तो इसका रंग ही मान नहीं है, उसके बाद इसके ऊपर गोल्डन कलर से इतना खूबसूरत गोटे का काम हुआ हुआ है, और मेरे ख्याल से दुल्हन को सिर्फ ये दुपट्टा देने की जरूरत है, नीचे सादा सूट भी चल जाएगा, तो वो कंप्लीट है ना, वो लगेगी खूबसूरत, बड़ी लगेगी। थैंक यू सो मच अनस, बहुत मजा आया आपसे बात करके। नाज़रीन, बनाओ सिंघार का लफ्ज़ ज़हन में आते ही ख़वातीन का बनाओ सिंघार ज़हन में आता है, और सुर्खी पाउडर के साथ साथ अगर ज्वेलरी की एडिशन भी हो जाए तो फिर वो चार चांद लग जाते हैं। और इस वक्त मैं बहावलपुर के ज़िला में हूँ, और जब रियासत बहावलपुर की जो ख़वातीन और यहाँ के जो ख़ानदान थे, जब वो तहज़ीब याफ्ता हुए, तो इनकी ख़वातीन ने ज्वेलरी का इस्तेमाल करना भी शुरू किया। और आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बहुत सारी तहज़ीबें दिखाई, उनके आसार कदीमा दिखाए, तो आपने देखा होगा मिट्टी की ज्वेलरी होती थी, मेटल्स की ज्वेलरी होती थी, जिसमें तांबा, पीतल और पता नहीं क्या क्या होता था। लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है, चीज़ें भी चेंज होती जा रही हैं,
आजकल कुंदन की ज्वेलरी ने बड़ा उसका ना एक बोल बाला है और इस वक्त मैं बहावलपुर के एक रंगीला बाजार वहां पर मौजूद हूं और इस शॉप का नाम है अनारकली ज्वेलरी और यहां पर कुंदन का काम बड़ा खूबसूरती से किया जाता है और ख्वातीन बड़ी दूर दूर से आती हैं अपने फंक्शंस के लिए शादी ब्याह के मौका पर यहाँ से ज्वेलरी खरीदने। तो हमारे साथ शॉपकीपर हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, आप सुनाइए। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन मैं ये देख रही थी कि ज्वेलरी की कलेक्शन आप लोग तो सुनियारों से भी ज्यादा महंगे हो गए। सोना एक तो इंसान की कंट्रोल से बाहर हो गया, आउट ऑफ रेंज है। यानी आपकी कुंदन की ज्वेलरी ने सुनियारों की मार्केट डाउन कर दी। हाँ, अच्छा इसका रेट बताए ना, अभी पता चलता। वैसे तो 35 का मिलेगा आपको किसी बड़े शहर में, हमारे पास 15,000 का सेट है। अरे वाह, एक दो ये मुझे हार दिखाइएगा इसका। बहुत जबरदस्त है ये, देखिए रानी हार स्टाइल है ये ना। हाँ ये इसके ऊपर ना नवाब ना भी हो, ये ज्वेलरी पहन के नवाब सा लगना शुरू हो जाता है। ये पकड़े। अच्छा जी ये हो गया हार और इसके जरा कांटे दिखाएं। मैं खवातीन के दिल में जो लालच है उसको तो उभारू ना जरा। ये गुलूबंद आ गया है ना जी? ये गुलूबंद सेट है और ये इसके इयररिंग्स है। और इसका ये फायदा है कि आप इसको शादी के बाद यूज कर सकती हैं। अरे वाह, ये जो आपने 15 का बोला है, अगर मैं ऑन कैमरा आपसे खरीदूं तो कितने का मिलेगा? देखें मुझे देख के बड़े लोग आएंगे आपके पास। मैंने आपको रेट से वो बताया है, इंशाल्लाह हमारी पब्लिसिटी इसका। अच्छा वैसे जो सही बंदा होता है ना कहता है जी आप ले जाएं, आपके हिसाब से मेरे पास बड़े कस्टमर्स आने हैं, आप तो आए नहीं लेने से। नहीं नहीं मैंने आपको ज्यादा बताया नहीं ना। नहीं वैसे फिर भी अगर मैं वाकई खरीदती हूँ मेरे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा तो रिगार्ड करें। कहाँ से आए हम आपके पास? 12 का कर देंगे, आपको मेहमान है हमारे ना। 12,000। और ये व्हाइट वाला? व्हाइट वाला आपको 4 का लगा देंगे मुकम्मल सेट। मुझे ये बताइए सिर्फ रेड में व्हाइट कुछ मिल जाएगा? हाँ जी व्हाइट भी कर देंगे, जो आप कलर कहेंगे ऑर्डर पे बनता ही। तो कितना टाइम लगेगा? ग्रीन में इसमें तकरीबन 1 हफ्ते का आपको। ये ना हफ्ते वाला आप फिर भूल जाए कौन भी बात। वो तो हम आपको कोरियर करवा देंगे, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। चलें थैंक यू सो मच सर, आपने आना है बहावलपुर, हमारे पाकिस्तान का खूबसूरत शहर बहावलपुर, यहाँ आना है और गठड़ी भर के शॉपिंग करके जानी है आपने। ओके व्यूअर्स, हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा घर हो और उस घर को बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया जाए ताकि जब हमारे गेस्ट आएँ लोग आएँ हमें मिलने तो उस घर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उसकी तारीफ़ करें और वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हों, जैसे हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये पीस कहाँ से लिया, ये डेकोरेशन पीस कहाँ से लिया, ये मुझे कभी नज़र नहीं आया। तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको तारीख की चीज़ें मिलेंगी, जैसे तलवारें हैं मतलब, और बड़ी खूबसूरत चाकू शाकू हैं क्योंकि नवाबों के इलाके थे, शाही ख़ानदानों के इलाके थे, वो चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे चोलिस्तान की पहचान, सहरा की पहचान है ऊँट, तो ऊँट बड़े खूबसूरत अंदाज में कार्विंग की हुई है वुड की, वो नज़र आएगी। फिर आप अगर देखें इस्लामिक चीज़ें आपको बड़ी प्यारी नज़र आ रही हैं। फिर ऊँट की जो स्किन के लैंप्स बने हुए हैं मैंने आपको मुल्तान में दिखाए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिर आपको यहाँ पर जो ब्लू काम है, ब्लू वर्क है, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अट्रैक्ट करता है, यानी वो काशीकारी, नकाशी और पता नहीं क्या क्या, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो ना आपका दिल करता है कि ना बस दुकान बंद हो और मैं छापा मारूँ, सब कुछ उठा के ले जाऊँ रात के अंधेरे में पता भी ना चले। क्योंकि माशाल्लाह ये चीज़ें जिस तरह से प्यारी होती हैं उसके अलावा जितनी इन पर मेहनत होती है ना उसी हिसाब से इनकी प्राइसेस भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर आके मैंने देखा है मुनासिब प्राइसेस हैं। अगर आपने अपना शौक पूरा करना है तो फिर थोड़े से पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो ये है जी बहावलपुर में मौजूद हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप, आइए और ले जाइए सर। दिन का उजाला जा चुका और रात ने अपने तारीख परों में इस पूरे खित्ते को लेने की कोशिश तो की है, लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनकी वजह से ये रात की कोशिश भी मान पड़ती नजर आ रही है। और इस जदीद दौर में ये जो रोशनियां हैं ये हावी हो चुकी हैं, लेकिन इस जदीद दौर में अगर नहीं बदला तो वो ये कि इस शहर के वासियों ने अपनी सकाफत को नहीं बदलने दिया, अपनी तारीख को संभाल के रखा है
और इस खित्ते के जो नवाबों का ख्वाब था ना कि उनकी सकाफत रहती दुनिया तक कायम रहे, तो वो सकाफत भी हमें नजर आई। आज पूरे दिन सैर के दौरान मुझे ये देखने को मिला कि हर चप्पे चप्पे पे मुझे लगा कि वाकई यहाँ से कोई नवाब गुजरा है और मुझे अपना भी एक नवाबी सा महसूस हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी सकाफत को संभाल के रखती हैं। तो इसी अच्छे से मैसेज के साथ आज मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। बहुत जल्द आपसे मिलूंगी आपके शहर में। तब तक के लिए मुझे मेरी शहरनामा की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।